हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पारुल ब्लॉग्स में। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं, दिखाते 7:05 हो रहे हैं। तो ठंड तो काफ़ी है, लेकिन आज कोहरा नहीं पड़ा है, हल्का हल्का पड़ा है। तो चल रही हूँ आज आप सभी को रेसिपी दिखाने वाली हूँ। तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, बने रहने के लिए एडवांस में आप सभी का धन्यवाद। तो चलते हैं छत पे। इसमें पीस लिए हैं, लाइट थी अभी दोनों में। तो चल रही हूँ छत पे, अभी दिखाती हूँ आप सबको क्या बनाने वाली हूँ। बनाने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश का स्पेशल निमोना सब्जी। तो उसकी सामग्री आप सभी को दिखा देती हूँ। इसमें है हरी मटर पीस ली हूँ, जो इस समय आ रहा है। इसमें जो है धनिया, मिर्चा और लहसुन की पत्ती, हरी प्राप्त हो आपके पास तो वो पीस लीजिए। और 1 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर डाल दें। ये है हमारा मेथौरी, इसे कोहड़ौरी भी बोलते हैं, जो जिस कोहड़े से बनता है पेठा, उसी को कोहड़े और उड़द मटर की दाल की बनी हुई है। तो इसे भी डालेंगे। और इधर आलू काट के धुल के रख चुके हैं। और इधर हमारी कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, उसमें तेल डाल दिए हैं, गर्म हो रहा है। तो अब गर्म हो जाएगा तो फिर हम बना के आप सभी को दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमारा तेल गर्म हो चुका है। तो अब डालेंगे इसमें ये मेथी, देख सकते हैं दोस्तों हमारी मेथी लाल हो चुकी है। अब डालेंगे इसमें हल्का लाल होने तक इसे पकाएंगे। हमारी मेथौरी लाल हो चुकी है, अब जो मसाला पीसेस थे इसको डालें। कुछ देर इसे पका लेंगे। हमारा मसाला लगभग पक चुका है, तो अभी इसमें डालेंगे जो हरी मटर पीसे हुए थे। खुशबू अच्छी आ रही है दोस्तों। अब मटर को इसमें अच्छी तरह से भून लेंगे। कुछ देर तक मटर को मसाले के साथ भून लेंगे, फिर उसके बाद डालेंगे आलू। कुछ देर तक दोस्तों मटर को भून चुके हैं मसाले के साथ। देख सकते हैं कितना यम्मी यम्मी लग रहा है अभी देखने में भी। तो अब इसमें डालेंगे आलू, जो काट के धुल के रखते हैं। अब इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे, उसके बाद डाल देंगे। मटर को अच्छी तरह से जरूर भून लें दोस्तों, ताकि सोंधापन आ जाए। अब हम आलू को भी भून लेंगे अच्छी तरह से, फिर पानी डाल देंगे, फिर स्वाद अनुसार नमक। देख सकते हैं अभी ही कितना टेस्टी लग रहा है देखने में। हाँ, खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट लगता है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। देख सकते हैं दोस्तों अच्छी तरह से हम आलू को भी भून लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे पानी, फिर स्वाद अनुसार। जार में जो लगा हुआ था मटर वटर, उसको भी पानी के साथ भून के डाल देंगे। अब जा रहे हैं स्वाद अनुसार नमक डालने। एक हाथ से दोस्तों नहीं बनेंगे, इसलिए वो मोबाइल रख के तो फिर डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल के उसके बाद ढक देंगे,
फिर पक जाएगा, आप सभी को फिर दिखाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, हमारा नमूने बन के रेडी हो चुका है। कुछ इस प्रकार ग्रेवी अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो अब इसे हम निकाल के दूसरे बर्तन में रख देंगे। देख, बच्चे स्कूल के लिए रेडी हो रहे हैं। सकते हैं दोस्तों, हमारा खाना बन के रेडी हो चुका है। नमूना चावल और रोटी सभी लोग खा चुके हैं। हम जा रहे हैं अभी खाने, खाना खा के उसके बाद सारा काम करेंगे। तो आप सब भी आइए, खा लीजिए एक बार, ज़रूर दोस्तों ट्राई करिएगा, काफ़ी टेस्टी लगती है ये सब्जी। तो आइए आप सब भी खा लीजिए। अभी हम जा रहे हैं खाने, खाना खाने के बाद उसके बाद सारा घर का काम करेंगे। बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं, पारू पापा भेज आए हैं और सभी लोग खाना खा चुके हैं। तो हमारे वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। अभी हम देख सकते हैं सारा काम कर चुके हैं जो है। अभी बच्चे स्कूल से नहीं आए हैं तो स्कूल से आ जाएंगे, तो उसके बाद हम जाएंगे खेत, खेत से लकड़ी काट के लाने के लिए। तो अभी आए नहीं, पालू पापा भी नहीं है, इसलिए रुकी हूँ, बच्चों का इंतज़ार कर रही हूँ। बच्चे स्कूल से आ जाएंगे तो फिर जाएंगे। तो ये छोटा सा ब्लॉग वीडियो यहीं पर एंड करूँगी, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।